गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम हिंदी का क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर थर्ड की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं बेटा। उसमें अभी तक हमने फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें देखा था, जो शेख चिल्ली होता है वो कहता है कि जो मेरे आसपास के बच्चे होते हैं वो मेरा मजाक क्यों बनाते रहते हैं, और फिर इस तरह से वो मतलब थोड़ा परेशान रहता है इन बच्चों से कि मेरा मजाक हर कोई उड़ाता रहता है, मेरे पड़ोसी वगैरह। तो चलो फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है, ऐसे ही शेख चिल्ली और उसकी माँ बैठे होते हैं, तो छत पे उन्होंने कपड़े सुखा रखे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, आंधी का मौसम बन जाता है। आंधी का जब मौसम बना तो जो शेख चिल्ली होता है वो कहता है, क्या अम्मी जान मैं जाकर कपड़े उतार के ले आऊँ? तो जो उसकी अम्मी होती है वो कहती है, नहीं तू जल्दी से नीचे आ जा, ऐसे ही बोलते हैं प्यार से अपने बच्चे को कि तू जल्दी से नीचे आ जा, आंधी चली जाएगी, जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद देख लेंगे हम जो होगा, क्योंकि बहुत आंधी आने लगती है, हवा बहुत तेज़ चलने लगती है। इसलिए उसकी मम्मी कहती है कि बच्चा सेफ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो कहती है कि तू नीचे आ जा, उसके बाद हम देख लेंगे। फिर क्या होता है, आंधी आती रहती है, चलती रहती है थोड़ी देर टाइम तक, फिर थोड़ी देर जब शांत हो जाती है आंधी तो क्या हुआ, लोगों के जो कपड़े या सामान होता है, छत टीन की जो छत बनाई रखी होती है उन्होंने बना रखी होती है वो, या छप्पर जो घास फूस से गांव में देखा होगा बना होता है, ठीक है, जो झोपड़ी वगैरह, तो वो सब उड़ जाती है लोगों की, और कपड़े वगैरह। तो फिर क्या होता है, लोग अपने अपने सामान को ढूंढने निकल उठते हैं इधर उधर से कि मेरा सामान कहाँ गया होगा, अब चिंतित उठते हैं सारे। आगे देखेंगे बेटा इसमें कि हमें वो कपड़े मिले या नहीं मिले उन लोगों को, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्या है देखते हैं, शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे कर लिए। क्या हुआ, जो शेख चिल्ली और उसकी मम्मी होते हैं उन्होंने कपड़े तो इकट्ठे कर लिए, मिल गए उनके कपड़े, इधर उधर ढूंढ ढूंढ के उन्होंने कोशिश की तो उनको कपड़े मिल जाते हैं। घर आकर अब उसने कपड़े संभाले तो वह शेख चिल्ली से बोली, बेटा लगभग सारे कपड़े मिल गए। उसकी मम्मी कहती है, बेटा कि घर आके भाई देखा, पहले तो सारे इकट्ठे करते रहे कपड़े, क्योंकि जब घर आके एक बार देखा कि सारे कपड़े हैं या नहीं है, तो देखती है कि सारे कपड़े तो हैं, लगभग सब मिल गए हैं, पर तुम्हारा पैजामा नहीं मिला, मीन्स तुम्हारा पैजामा नहीं मिला। किसका? शेख चिल्ली का। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। उसकी मम्मी कहती है, अब एक ही रह गया कपड़ा, उससे तुम जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ। शेख चिल्ली अपने पैजामे की तलाश में चल दिया। क्या होता है, पैजामा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि कहाँ गया, तो ढूंढने के लिए जब वो जाता है तो देखते हैं बेटा आगे क्या होता है, कि पैजामा मिलता भी है या नहीं मिलता है। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसका पैजामा एक कुएं में पड़ा, पानी में तैर रहा था। क्या होता है, जब उसने चारों तरफ देख लिया आस पड़ोस में तो नहीं मिला, देखा कि एक कुएं में उसका पैजामा डला हुआ, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसमें भी आप देख रहे होगे, पानी में तैर रहा है, क्योंकि कुएं में पानी भरा है तो अब कॉस वो डला हुआ है तो तैर ही रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है बेटा, कि क्या हुआ होगा, उसे देखकर वह उल्टे पांव वापस आ गया। जब वह देखता है कि मेरा जो पैजामा है वो कहाँ डला हुआ है, कुएं में डला हुआ है, तो वापस वहीं से आ जाता है, वो उसको लेने के लिए नहीं जाता, निकालने की नहीं सोचता है, वो वापस घर की तरफ आ जाता है और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी शुक्र करो खुदा का कि तेरे बेटे का आज जान बच गई। क्या कहता है, कितना बेवकूफ़ है ना, तभी लोग इसका मजाक बनाते होंगे। क्या कहता है, मम्मी शुक्र मनाओ कि खुदा ने यानी भगवान ने तेरे बेटे की आज जान बचा ली। अब इसका पैजामा और इसकी जान से क्या संबंध है, तभी इसको सब चिढ़ाते हैं, ये थोड़ा कम सोचता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अरे हुआ क्या, उसकी मम्मी पूछती है, अरे क्या हुआ जो इस तरह से बात कर रहा है, तुझे तूने ऐसी बात क्यों की, तू कैसी बात कर रहा है बेटा? वो कहती, कैसी बात कर रहा है, क्या हुआ? उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा, क्या पैजामा नहीं मिला? उसकी मम्मी कहती हैं, वो सोच रही हैं कि शायद ये पैजामे की वजह से इस तरह से बोल रहा है, तो वो बोलती हैं, क्या तेरा पैजामा नहीं मिला है? आगे का जो चैप्टर है बेटा हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ होगा इनकी मम्मी शेख चिल्ली की अम्मी में और शेख चिल्ली में क्या बात रही होगी, उसका जो पैजामा है उन्होंने कुएं से निकाला है या नहीं भी निकाला है, वहीं का वहीं रखा उन्होंने, और उसने जान की बात क्यों की थी कि मेरी जान चली जाती। आज का जो आपका होमवर्क है बेटा इससे संबंधित वो मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, एक
कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इस बुक के सामने ही आपको लिखने हैं। क्या है का और था और अड़ा, ये आपको कहाँ करना है, इसी बुक में करना है। और प्रश्न नंबर 3, जो सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये जो स्टेटमेंट की लाइन पढ़नी है, अभी तक जो हमने पढ़ी हो, आप उन्हीं को उन्हीं लाइनों को अगर जो इनमें आई हुई हैं उनको देखना है और आपको निशान लगाना है। उसके बाद है हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, हम बाद में करेंगे। रचनात्मक कार्य के बारे में पहले जान लेते हैं। ये जो रचनात्मक कार्य दे रखा क्या है बेटा, पढ़ते हैं। इस अध्याय में आए निम्नलिखित शब्दों को देखिए, जो हमारे अध्याय मीन्स जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा, पाठ हमने जो पढ़ा, उसमें ये कुछ शब्द आए हैं। जैसे अम्मी, आपने देखा अम्मी आया, जल्दी से एक चिल्ली भी आया, छप्पर भी आया, मोहल्ले आदि। तो जो ये वर्ड जो बने हुए हैं आपने देखे, आगे क्या क्वेश्चन कहता है, क्या यही लिखने हैं या इनसे अलग लिखने हैं, वो हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब जानेंगे बेटा। उपरोक्त सभी शब्दों में आधे वर्ड का प्रयोग किया गया। आप ऊपर जो देख रहे हो इनमें आधे वर्ड, जैसे आधा माँ यहाँ बना हुआ है, यहाँ ला आधा बना है, आधा ला फिर से एक चिल्ली में बना हुआ है, छप्पर में पा बना हुआ है। तो इस तरह से इन वर्डों में आप देख रहे हो आधे आधे अक्षर बने हुए हैं, वर्ड बने हुए हैं। इसी प्रकार इनके अतिरिक्त 10 ऐसे शब्द लिखिए, इनके अलावा ऐसे और शब्द आपको लिखने हैं जिसमें आधे वर्ड का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। आधे वर्ड आए हों वो शब्द आपको यहाँ पर 10 कोई भी लिखने हैं। तो ये भी आपका आज का होमवर्क है। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो देखेंगे कि जो शेख चिल्ली का पजामा होता है वो मिलता भी है या नहीं मिलता, या कुएं में ही डला रह जाता है। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप ये पूरा ही चैप्टर अपना पढ़कर रखेंगे।